भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली गई। भारत ने 4-1 से ये सीरीज अपने नाम भी की। इस सीरीज में भारत के लिए युवा स्पिनर रवि बिश्नोई ने शानदार प्रदर्शन कर दिखाया। बिश्नोई को अब अपने शानदार प्रदर्शन का फायदा भी मिला है। रवि बिश्नोई ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं। ताजा रैंकिंग में बिश्नोई ने 5 पायदान की छलांग लगा दी है और वो बुधवार को ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। दरअसल रवि बिश्नोई के यहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान भी नहीं था। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले रवि ने क्रिकेटर बनने के लिए काफी संघर्ष किया है। उनके पिता एक तरफ से स्कूल में पढ़ाते थे तो दूसरी तरफ वो पत्थर तोड़ा करते थे। पत्थरों को तोड़कर पिच बनाने वाला गेंदबाज आज दुनिया के बड़े बल्लेबाजों को अपनी गेंद पर नचाता है। रवि बिश्नोई बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक रखते थे, लेकिन उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वे क्रिकेटर बन पाए। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उनका किसी अच्छी एकेडमी में क्रिकेट सीखने का सपना पूरा ना हो सका। ऐसे में उन्होंने सोचा कि महंगी एकेडमी में एडमिशन लेने के बजाय खुद की ही एकेडमी क्यों ना तैयार कर ली जाए। करीब 10 साल पहले बिश्नोई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एकेडमी बनाने का फैसला लिया। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह मजदूरी करा करते थे। वह कभी पत्थर तोड़ते तो कभी सीमेंट के बोरे उठाकर ले जाते। ऐसा करते हुए करीब 6 महीने बाद उन्होंने एकेडमी बना दी। यहां से उनका असली सफर शुरू हुआ और फिर अंडर-19 में उन्हें जगह मिली और भारत को अंडर-19 विश्व कप जिताने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। अंडर-19 वर्ल्ड कप के बाद 2020 IPL के लिए किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 2022 में वो लखनऊ सुपर जायंट से फिर जुड़े। फिर साल 2022 में उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए आयरलैंड का दौरा भी किया, जहां वो टीम इंडिया का हिस्सा भी रहे थे। 23 साल के रवि बिश्नोई ने भारत के लिए अब तक 1 वनडे मैच और 21 T20 मैच खेले हैं। वनडे इंटरनेशनल में रवि ने 1 और T20 इंटरनेशनल में 34 विकेट लिए हैं। आगामी T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और USA में होना है, जहां के पिच स्पिनरों को मुफीद रहने वाली है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि बिश्नोई का यह प्रदर्शन अगर आगे भी जारी रहा तो उन्हें वर्ल्ड कप में जगह जरूर मिल सकती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।